ओंस्थापकाय धर्म सेमस्विणे अवताय रामकृष्णा ते रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो रामकृष्ण जगद्गु मुहुर्मुहु प्रणमा मुहुर्मु विवेकानंद सूरये विवेकानंदसूद सूरय, सच्चिसुखस्व स्वामी नेतापारीणे स्वामी विवेकानंद जी एक असामान्य सन्यासी थे साधारण सन्यासियों से हटकर और इसीलिए अमेरिका में जब वे गए तो वहाँ के लोगों को लिए ये बड़ा आश्चर्य था कि स्वामी विवेकानंद जी एक धर्मोपदेशक होते हुए भी इस प्रकार से जोर जोर से हंसते हैं मजाक करते हैं हंसी मजाक करते हैं विनोद करते हैं यह उनकी कल्पना के बाहर की वस्तु थी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नीरल टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड आप यदि हमेशा प्रसन्न हों और हमेशा मुस्कुराते रहें तो आप किसी भी प्रार्थना की बदौलत किसी भी प्रार्थना की अपेक्षा ईश्वर से और नज़दीक हो जाएंगे यदि हमेशा प्रसन्नचित रह सकें और आनंद में रह सकें और मुस्कुराते रहें ये स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य उपदेश था और उन्होंने क्या था कि लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन लॉन्ग फेसेस मतलब कुछ लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं ऐसा समझते हैं कि जितना जो धार्मिक ज्यादा होगा उतना ही उसे ज्यादा गंभीर होना चाहिए यह है जो भूल धारणा के बारे में स्वामी जी कहते थे नहीं लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस इज दैट यू आर बिकमिंग चेयरफुल यदि आप चेयरफुल हैं प्रसन्न हैं तब समझना चाहिए आप ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो प्रवचन देते उस समय तो बहुत गंभीर रहते हाई फिलोसफी की बातें करते और प्रवचन के बाद फिर जब भोजन होता उस समय बहुत मजाक करते आइसक्रीम पार्टी करते उनको आइसक्रीम पसंद था चॉकलेट आइसक्रीम तो सब लोग पूछते भी थे स्वामी व्हाई डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम तो हंसते हंसते कहते बिकॉज यू नो आई एम लाइक चॉकलेट ऐसा करके मजाक भी करते थे और हंसी मजाक करते थे जोर से हंसते थे तो इन लोगों को पसंद नहीं था फिर एक दिन एक अमेरिकन महिला ने कह दिया स्वामी यू ऑट टू बी मोर रिलीजियस स्वामी यू ऑट टू बी मोर सीरियस यू आर ए रिलीजियस प्रीचर स्वामी जी आपको तो धर्मोदेश धर्मोपदेशक हैं आपको तो हमेशा गंभीर रहना चाहिए ये क्या आप इस प्रकार से जोर जोर से हंसते हैं ये क्या आपको शोभा देता है स्वामी so, जी ने तुरंत उत्तर दिया मैडम आई टू बिकम सीरियस वन आई गॉट स्टमक एक ऐसा नहीं कि बोले मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ हमेशा हंसता रहता हूँ कभी कभी मैं भी गंभीर हो जाता हूँ कब जब पेट में दर्द होता है तब तो यदि पेट में दर्द नहीं है कोई विशेष प्रकार की बीमारी नहीं है और फिर भी आप ऐसा चेहरा बनाते हैं मानो आपने बहुत सारा केरोसिन पी लिया हो ये स्वामी जी पसंद नहीं करते थे और फिर उन्होंने असली उत्तर दिया वाई शुड आई बी सीरियस वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमोटल ब्लिस हम आनंद की संतान हैं हम क्यों हताशा निराशा में रहेंगे हम क्यों हम निरानंद में रहेंगे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस और यही तो उन्होंने शिकागो सभा में स्वामी जी ने संदेश दिया था शुणवंतु विश्व अमृत से पुत्रा आए धा दिव्या तस्तु वेदाहेत पुरुष महात आदित्यवर्णम तमस परस्ता तमेव विद्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विदिता नाय यह श्वेता क्षेत्र उपनिष्त् श्लोक उन्होंने सुनाया था और कहा था बाद में ये अमेरेखावासी भाइयों बहनों मैं भी आपको इस नाम से संबोधन करना चाहता हूँ क्या अमृतस्य पुत्रा

कहने का मतलब यह था कि हम जब आनंद की संतान हैं तो हम क्यों निरानंद में रहेंगे तो द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस दैट यू आर बिकमिंग चेयरफुल ये स्वामी जी का मानना था और वो स्वयं भी जब प्रवचन करते थे तब तो बहुत गंभीर रहते थे मान लो कोई बड़ी दार्शनिक बात हो परंतु उसके बाद में वे इस प्रकार से और वो हास्य प्रवण भी थे उनका स्वभाव भी विनोदी था उन्होंने सब लोग को उपनाम दे दिया था जैसे मिसेस हेल को बोला था मदर चर्च और मिस्टर हेल को बोला था फादर पोप करके बुलाते थे हरमोहन को बुलाते थे हारमोनियम करके हरिप्रसन्न को बोलते थे बिशप ऑफ अलाहाबाद हरिप्रसन्न मतलब स्वामी विज्ञानंद जी महाराज को गंगाधर महाराज को बोलते थे गैंज करके बुलाते थे ऐसे सभी लोगों का अलग अलग से वो नाम दे करके आला सिंगा को चिचिंगा करके पुकारते थे ऐसे अलग अलग नाम देते थे पुकारते थे और हमेशा आनंद में रहते थे विनोद वृत्ति उनकी बहुत थी जब वहाँ डिट्रॉइट में एक बार प्रवचन दे रहे थे तब एक महिला खड़ी हो गई स्वामी और बोस्टिंग टू मच अबाउट यूर स्परिचुअल कल्चर इज इट नॉट ट्रू दैट इन योर कंट्री और मदर्स थ्रू विद चिल्ड्रन इन टू द रीवर टू बी इटर्न बाई क्रोकोडाइल्स क्या यह सच नहीं है कि आपके देश में स्त्रियाँ अपने नवजात शिशु को नदी में डाल देती ताकि मगर उसको खा जाए जैसा कि उस समय जैसा मैंने बताया था पाठ पुस्तकों में इस प्रकार के चित्रों सहित ये कहानियाँ छापी जाती थी इसलिए उनका दोष नहीं था महिला का उनको यही था उनको भारतीय संस्कृति के बारे में इतना ही ज्ञान था कि वहाँ पर की संस्कृति वहाँ की सभ्यता वहाँ के लोग इतने अधिक क्रूर हैं वहाँ की माता इतनी क्रूर हैं कि अपने नवजात शिशु को नदी में डाल देती ताकि मगर उसको खा जाए So, तो yes, you know, like you know, so so, <laughs> स्वामी जी हाजिर जवाबी थे तुरंत उन्होंने उत्तर दिया यस मैडम दैट इज़ वेरी ट्रू यू नो आई टू वॉज थ्रो लाइक दैट बाई माई मदर बट यू नो आई वॉज सो फैट क्रोकोडाइल कुड नॉट ईट मी सो आई एम हियर टू स्पीक बिफोर यू हाजिर जवाबी स्वामी जी ने कहा हाँ मैडम बात सच है मेरे को भी मेरी माँ ने ऐसा फेंक दिया था पर मैं इतना मोटा था मगर मुझे खा नहीं पाया इसलिए आज आपके सामने भाषण देने आया हूँ इस प्रकार से वे उत्तर देते थे पर वो हाजिर जवाबी थे और विनोदी प्रवृत्ति के थे और आनंद में रहते थे और कहते थे आनंद में रहना ये हमारा कर्तव्य इसलिए कि हम लोग आनंद की संतान है तो वाई शुड वी बी मोरस वी शुड बी चेयरफुल ये स्वामी जी का कहना था और स्वामी जी के इस स्वरूप का हमें उसकी प्रतीति होती है स्वामी जी जब पोरबंदर में थे हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्वामी जी पोरबंदर में उन्होंने क्या क्या किया उसमें की एक बात आती है कि स्वामी जी जब पोरबंदर में थे भोजेश्वर बंगलों में शंकर पांडुरंग पंडित के अतिथि के रूप में तब शंकर जीवन आख्यानम में जो जो बातें लिखी हैं उनकी पुत्री क्षमा राव उसकी बातें तो हमने कह दी इसके अलावा स्वामी जी ने जो वहाँ पर पाणिनि व्याकरण का अभ्यास किया इसके बारे में बताया शंकर पांडुरंग पंडित को अथर्वेद में उनका जो अनुवाद कर रहे थे उसमें भी सहायता दी ये सब बातें कही वहाँ का जो ग्रंथालय था उसमें उन्होंने हो सारी पुस्तकें पढ़ी इसके अलावा वो क्या करते थे कि पास में एक संस्कृत पाठशाला थे पाठशाला थी वहां के कुछ विद्यार्थियों को वहाँ बुलाते थे प्रातः काल प्रतिदिन चार विद्यार्थी आते थे और चारों वेदों के कुछ कुछ वो श्लोक सुनाते थे पारी पारी से ऐसा हमको अवंतीनाथ दवे ये अभी अहमदाबाद में रहते हैं उन्होंने बताया उन्होंने पूरी विस्तृत महित विस्तृत जानकारी दी है उनके जो दादा थे वे थे रिवाशंकर शंकर अनुप्राम दवे ये उस समय करीब 16 साल की उम्र के थे और ये शंकर पांडुंग पंडित के दो पुत्र थे वामन और माधव उनके साथ पढ़ते थे उनके साथ पार्टी थे तो स्वाभाविक उनके मित्र थे और भोजेश्वर बंगले में आया जाया करते थे तो उनके माध्यम से शायद हो सकता है कि वो संस्कृत पाठशाला के आचार्य जो थे शास्त्री हरिहर भाई कालिदास तो इनको बोल करके चार विद्यार्थियों का ये तय किया गया कि चार विद्यार्थी प्रतिदिन आएंगे और सुबह प्रातः काल ठंड के दिन थे तो वो कहते हैं कि हमने जो सुना दादाजी के पास कि स्वामी जी इस प्रकार चादर उड़ करके बैठते थे एक पाठ पर और सामने चार पाठ पर ये लोग चारों बैठते थे और पारी पारी से चारों वेदों के कुछ लोग सुनाते थे यह रोज का क्रम था और उसी में उसी क्रम में एक दिन उसमें से एक को गोविंद जी से बात हो रही थी गोविंद नाम का एक व्यक्ति रेवाशक अनुप्रम दवे वो यजुर्वेद से सुनाते थे और गोविंद जो कि शिष्य था शिंगड़ा मठ का शिंगड़ा मठ के महंत के शिष्य था वो शायद दूसरे किसी योग 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 यो का वेद से सुनाते थे तो ये गोविंद उसके साथ बातचीत होते कहा कि भाई तुमने कहाँ अभ्यास अध्ययन किया तो बोले मैंने वाराणसी में अध्ययन किया तो फिर बोले वापस क्यों आ गए जब अध्ययन कर रहे थे तो उसने बोला कि मेरे को कार्यला हो गया ये सुनकर के स्वामी जी जोर जोर से हंसने लग गए करेला एक्चुअली सचमुच में तो करेला को करेला बोलते हैं गुजराती में वो तो एक सब्जी है अब उसको हुआ था कॉलेरा कॉलेरा को ठीक से बोल नहीं पाया कॉलेरा को करेला बोला तो स्वामी जी जोर जोर से हंसे इस प्रकार से ये विनोद वृत्ति उनकी पोरबदर में थी ये वो सत्ताईस साल के युवक और ये सब सोलह सत्रह साल के युवक तो युवकों के साथ इतने आनंद करते थे इस प्रकार वेद का पाठ भी सुनते थे उन्होंने कहा कि चारों वेदों का पाठ उन्होंने सुना था इसलिए वो दीर्घकाल तक स्वामी जी पोरबंदर में रहे थे उस भोजेश्वर बंगलों में उसका एक और प्रमाण है अवंतीनाथ दवे ने कहा कि मैंने अपने दादाजी के पैसे सुना था रेवाशंकर अनुप्रम दवे कि हम लोगों ने चारों ने मिलकर के चारों वेदों का हमने सुनाया था रोज करीब करीब आधा एक घंटा वहाँ बैठते थे और सुनाते थे उसके बाद में स्वामी जी अपने हाथ से सबको दूध देते थे वो दूध पीकर ही जाना होता था वो भी विशेष केसर दिया हुआ दूध ये सबको पी के जाना पड़ता था मैंने स्वामी जी युवकों को प्यार करते थे और युवकों के साथ विनोद करते थे मजाक करते थे ये जो स्वामी जी का पक्ष है ये हम उसको देखते हैं पोरबंदर में उसकी एक झलक हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से और ये रेवाशंकर अनुरा दवे ने जो कहा उनके पौत्र को उसमें से लगता है कि कहते थे स्वामी जी हमारे साथ हिंदी में बात करते थे पर टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे कभी कभी हिंदी में बात करते थे प्राय ही परंतु कभी कभी संस्कृत और बंगला के शब्द उसमें आ जाते थे और एक बार उन्होंने इस सब की नीति कथा पंचतंत्र की नीति कथा इसके भी कुछ लोग रेवाशंकर अनुपराब दवे ने स्वामी जी के कहने पर सुनाए थे और फिर स्वामी जी ने भी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाई थी फॉक्स के बारे में ये सब उन्होंने अपने संस्मरण उन्होंने अपने पौत्र को सुनाए थे अवंतिनाथ दवे को ये अवंतीनाथ दवे ने हमको लिख करके ये सब दिया है तो ये स्वामी जी का एक दूसरा ही पक्ष हमको यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है कि किस प्रकार से स्वामी जी युवकों के साथ घुल मिल जाते थे और वहाँ पर भोजेश्वर बंगलों में न केवल उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया पर इस प्रकार से वेदों का पाठ भी उन्होंने सुना इन युवकों के पास और उनके साथ हंसी मजाक भी करते थे ये रेवाशंकर अनुराग दवे ये अत्यंत प्रकांड विद्वान थे बहुत बड़े पंडित थे राज पंडित थे अपॉइंटेड बाय द स्टेट ऑफ पोरबंदर राज पंडित थे अत्यंत सात्विक स्वरूप सात्विक स्वभाव उनका था उनका जीवन पूरा बहुत सात्विक था और आध्यात्मिक पूरा जीवन उनका था और सब कुछ वो अपना जो ज्ञान है वो निशुल्क देते थे कई विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया तो ये शंकर अनुप्रम दवे इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1875 को और 1978 में उनका निधन हुआ 103 साल की उम्र में और ये जब डेढ़ साल के थे तभी इन इन इन्होंने अपनी माँ को गवा दिया और तेरह साल की उम्र में उम, पिताजी की छत्र छाया उनसे दूर हो गई तो बाद में उनके चाचा लज्जा शंकर लज्जाराम जयशंकर दवे ने उनका लालन पालन किया और उनको शिक्षा की और उनको शिक्षा प्रदान में और भी कई लोगों का हाथ है जिसमें उनके मामा लीलाराम अंबाराम दवे और दूसरे उनके जो पहचान वाले ये थे राजवैद्य श्री नारायण गोवर्धन शर्मा श्री केशव जी घेला वायड़ा एवं श्री कल्याणी देवचंद इन्होंने उनके ये शिक्षा में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है उनके मित्र थे वाचस्पति जाधव जी त्रिकम जी आचार्य ये बहुत बड़ा नाम था उस समय उनके भी वो मित्र थे 1960 में 1960 में उनको पीठ के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाराज के पास से शतपथ मारतंड की उपाधि प्राप्त उनको प्राप्त हुई थी शतपथ मारतंड की उपाधि प्राप्त हुई द्वारका पीठ के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ महाराज के पास से और 1976 में 1976 में यजुर्वेद प्रवीण इस प्रकार का प्रमाण पत्र उनको मिला गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल श्री के के विश्वनाथन के पास से इस प्रकार से वे बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे और उन्होंने विद्यार्थियों को निशुल्क पढ़ाया था कई प्रकार की शिक्षा वे प्रदान करते थे केवल यज्ञ के लिए कुछ दक्षिणा स्वीकारते थे स्वीकार करते थे और उसी से अपना उनका गुजरान चलता था अत्यंत बहुत सादा सीधा उनका जीवन था इसके अलावा उन्होंने रामचंद्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी जो कि सोमनाथ मंदिर के पास में है फिर सेठ श्री चतुर्भुज शिवाजी संस्कृत पाठशाला माणिक भाई वैदिक पाठशाला श्री भावेश्वर मंदिर लक्ष्मीनारायण मंदिर जो कि बिरला सागर कॉलोनी में है पोरबंदर में और सुदामा मंदिर इन सब की प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने की थी ये रेवाशंकर अनुप्राप दवे ने और ये जो महाराणा साहेब भाव सिंह जी और महाराजा साहेब नटवर सिंह जी इन दोनों का राज्याभिषेक ये भी उनके द्वारा हुआ था क्योंकि वो राज पंडित थे तो उनके द्वारा ही हुआ और युवराज श्री माधव सिंह जी और युवराज श्री उदय भान सिंह जी ये दोनों का अभिषेक ये भी वो राज पंडित श्री रेवाशंकर अनुपाप के द्वारा हुआ और शिंगड़ा मठ के जो महंत है उनका पट्टाभिषेक ये भी उनके माध्यम से हुआ और ये प्रभाशंकर पाटणी जिनका नाम बहुत बहुत सुप्रसिद्ध नाम है ये उनके जो पुत्र सुपुत्र थे बट्टुक राय उनके साथ इनकी काफ़ी मित्रता थी और वे बहुत किताबें भी पढ़ते थे केवल शास्त्रों के नहीं शास्त्रों का तो बहुत ज्ञान था शास्त्र पढ़ते थे उसके अलावा भी अरविंद घोष रामतीर्थ और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ टोल इस प्रकार से उनका जो ये उनका जो ज्ञान था वो केवल एक एक देशीय नहीं था काफ़ी ज्ञानवान थे वे और विभिन्न विषयों पर ज्ञान रखते थे और विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ते थे और बहुत उन्होंने प्राणायाम किया था गायत्री मंत्र किए थे स्तोत्र पाठ किए थे अनुष्ठान किए थे पुरस्चरण किए थे जप किए थे बहुत ही सात्विक उनका जीवन था और कई लोगों को उन्होंने ये सात्विक जीवन के लिए प्रेरित किया था तो ऐसे महान श्री शंकर अनुप्राम दवे ये इनके जो पौत्र उनके पास से हमको काफ़ी जानकारी मिली है अवंतीनाथ दवे ये खुद भी ये पंडित हैं और काफ़ी शास्त्रों के जानकार हैं और जो कर्मकांडी पंडित हैं कर्मकांड कराते हैं अहमदाबाद में हैं तो उनके पास से हमको ये सब जानकारी मिली हमारे पुस्तकों में थोड़ी सी जानकारी है पर इनके पास से हमको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिली और एक जानकारी मिली है कि कुसुमबेन परमार ये हमारी भक्त थी दीक्षित भक्त मंत्र दीक्षित भक्त हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट ही बाद में कुछ पिछले कुछ वर्षों से मठ के पास में रहती थी और जयराम बाटी में भी कभी कभी रहती थी वहाँ भी उनका एक मकान था अभी वो राजकोट आई थी ये एक ऐसा एक संयोग अद्भुत संयोग है कि वो राजकोट आई थी और यहाँ पर उसी समय लॉकडाउन हुआ और उसी समय वो लॉकडाउन में ही उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई फिर कोरोना वायरस पॉजिटिव का नेगेटिव भी हो गया और जिस दिन उनकी छुट्टी होने वाली थी वो तैयारी कर रही थी वापस घर जाएगी सब लोग आ भी गए थे उनको लेने के लिए उसी समय उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो उसी समय गुजर बस गया दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया उन्होंने मुझे एक नोट अपनी डायरी में से नोट करके दिया था कि वे लोग कुसुम परमार और कुछ यहाँ राजकोट के भक्त और साथ में मेरी लुई बर्क मेरी लुई बर्क के बारे में आपको बताया कि अमेरिका की थी जिन्होंने अपना सारा जीवन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में क्या क्या किया उसकी खोजबीन के लिए अपना सारा जीवन बत, बिता दिया उनको विवेकानंद अवार्ड भी मिला था मेरी लुई बर्क इनका नाम दिया है सिस्टर गार्गी जो स्वामी जी ने कहा था ना फिर से गार्गी मैत्री जन्म लेगी तो उनका नाम ही सिस्टर गार्गी दे दिया दे दिया गया तो ये सिस्टर गार्गी अथवा तो मेरी लुई बर्क वो ऐसा एक अद्भुत संयोग की वो आई हुई थी राजकोट में तो 1974 में स्वामी आत्माशंजी महाराज आए थे पोरबंदर उसकी कहानी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है तो सात दिसंबर उन्नीस को ये कुसुम परमार ये आई थी वहाँ पर पोरबंदर खास विशेष करके मेरे वर्ग को भी उनसे मिलने की इच्छा थी कि उनको तो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी बात है स्वामी विवेकानंद को जिन्होंने देखा है और स्वामी विवेकानंद के जिन्होंने बातचीत की है ऐसे व्यक्ति को देखना अभी क्योंकि वो 130 साल 103 साल की उम्र तक जीवित थे इसलिए वो पॉसिबल हुआ संभव हुआ तो 7 दिसंबर 1975 को उन्होंने उनके घर गए और वो झूले पर बैठे हुए थे शंकर पाण्डु पंडित सोए हुए थे उस समय काफ़ी बीमार भी थे फिर भी उन्होंने उनके साथ मिले और सब बातें की तो उन्होंने कहा कि आपने क्या उनको देखा है बोले देखा क्या है उनके साथ बातचीत की है रोज हमको उन्होंने उनको हमने ये वेद वेद की कंडिका वगैरह सुनाई है उनके साथ तुम कितने महीने तक रहे तो आपको कैसा लगता है बोले मुझे बहुत उनके बारे में आपको कैसी फीलिंग होती है कैसा तब बोले मुझे बहुत अच्छा फील होता है बहुत ही अच्छा और मुझे आत्मस्थान जी महाराज ने जब फोटो दिया स्वामी विवेकानंद का वो फोटो तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ वो फोटो देख देख करके मुझे पुरानी स्मृतियाँ सब आती हैं याद आती हैं उस समय तो हमको तो मालूम नहीं था कि वो सारे विश्व विजेता विवेकानंद बनेंगे उस समय एक एक तेजस्वी सन्यासी आए हैं विद्वान सन्यासी हमारे मित्र के पिताजी के यहाँ ऐसा ही हम जानते थे पर वो इतने महान बनेंगे हम लोग जानते भी नहीं थे पर अभी उनको याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय एक बहुत सारी और भी बातें हैं पर उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ही। वो ये है कि 13 नवंबर अठारह को देव दिवाली थी उस दिन स्वामी विवेकानंद पोरबंदर में थे उसका हमको प्रमाण मिलता है क्यों देवाशंक अनुप्राप्त मैंने बोला कि 13 नवंबर देव दिवाली के दिन तुलसी विवाह था तो तुलसी विवाह के बारे में स्वामी जी ने उसको शंकर पाणु पंडित की पत्नी थी उषा देवी उनको उनका पूरा महत्व तो समझाया था ये विस्तार से बताया इसका मतलब यह है तो प्रमाण मिलता है कि देव दिवाली के दिन अर्थात तेरह नवंबर अठारह अच्छा को स्वामी विवेकानंद पोरबंदर में थे हम लोग जो खोजबीन अभी कर रहे हैं उसमें यह एम का हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक जानकारी है तो इस प्रकार से उनके साथ और भी कई बात कई पता हो रहा कि स्वामी विवेकानंद शंकर पांडुरंग पंडित के साथ रोज़ शाम को घूमने के लिए जाते थे कभी कभी घोड़े पर जाते थे तो बहुत दूर तक जाते थे पर जब जिस दिन बाहर नहीं जाते थे गांव में उस दिन पास में एक रण प्रदेश जैसा था अभी तो वहाँ बिल्डिंग्स बन गई है तो छोटा सा तालाब जैसा है पानी है वहाँ पर पक्षी भी आते हैं वही उस समय रण प्रदेश था अभी भी पोरबंदर में आप जाएंगे तो थोड़ा सा पानी आपको मिलेगा तालाब जैसा वही रण प्रदेश था वहाँ पर स्वामी विवेकानंद और शंकर और ये शंकर पांडू पंडित ये दोनों घूमते थे बोले स्वामी विवेकानंद के हाथ में एक दंड रहता था लाठी रहती थी और ये इनके पास एक भाला रहता था शंकर पांडव पंडित के पास इस प्रकार से काफ़ी चीज बातें उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के पोरबंदर निवास के बारे में शंक, और यह भोजेश्वर मंगलों में उन्होंने निवास के समय क्या क्या किया ये उन्होंने सुना था कुसुमबेन परमार ने शंकर पांडुवी पंडित के पास से और शंकर पांडुंग पंडित के जो पौत्र थे अवंतीनाथ दवे बोलते मेरे मुझे दादाजी बहुत प्यार करते थे तो हम लोग मैं दादाजी के साथ दादाजी ने बहुत बार हमको ये सब बातें बताई थी और भी कई बातें बताई थी उसमें ये स्वामी विवेकानंद के बारे में जो बातें बताई थी वो उन्होंने बाद में लिख करके दी है इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी पोरबंदर में न केवल उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया परंतु युवकों के पास से उन्होंने ये वेदों का पाठ भी सुना और युवकों के साथ वो आनंद भी करते थे मजाक भी करते थे और ये आनंद में स्वामी विवेकानंद का एक विशिष्ट रूप हमको यहाँ पोरबंदर में भी दिखता है ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण